कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन की आग हर रोज तेज होती जा रही है। आंदोलन आज 75वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन समाधान कब होगा ये एक बड़ा सवाल है। किसान अपने घर कब लौटेगा ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है और इसका जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता ललित कुमार ने टीकरी बॉर्डर पर किसानों से बातचीत की। खेती किसानी को बचाने के लिए लगातार किसान 75 दिन से सड़कों पर डटे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इन तीन कृषि कानूनों को रद्द करे, लेकिन सरकार केवल संशोधन की बात कर रही है और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि इस कृषि कानून में क्या काला है उसी को लेकर हम किसानों से बात करते हैं। उनका क्या कहना है और क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार की आगामी रणनीति रहेगी? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम अमरजीत धनी, खेती किसान जिला बठिंडा प्रधान। लगातार 75 दिन हो गए सानू बार्डर ते बैठा नू। अगली जो राजनीति है कि रात सभी संगठनों की मीटिंग हुई है, उसमें विचार चर्चा किया कि आगे आंदोलन कैसे चलाया जाए। लगातार जो आंदोलन इसको तेज किया जाएगा। 6 तारीख को पूरे भारत में चक्का जाम कराया गया ताकि जो मोदी सरकार बार बार ये कह रही है कि एक स्टेट का मसला जहाँ थोड़े से खेते का आंदोलन, उसमें तो ये तय हो गया कि पूरे भारत के किसान इनके साथ है। दूसरा है कि सरकार के जो प्रधानमंत्री, उसने कहा कि एक कॉल करो कि बातचीत हो सके। सरकार को चाहिए, देश का प्रधानमंत्री उनको चाहिए कि किसानों के साथ बातचीत करने के लिए अपनी तरफ से कॉल करें ताकि जो किसानों का मसला हल किया जा सके। आगामी क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार की रहेगी, क्योंकि 75 दिन हो चुके हैं, सरकार वार्ता से ही समाधान निकलेगा इसका? देखो, ये है कि आंदोलन को होर बसाल कराया जाएगा, होर तिखा कराया जाएगा। इसके अलग अलग रूप हो जाएंगे, जैसे दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, अगले आने वाले दिनों में क्या करना हो जो हमारा मोर्चा वो करेगा। कल भी किसी मंत्री ने बयान दिया कि एक स्टेट का मसला है, थोड़ा सा है। जो राजसभा में भी उसने बयान दिया कि किसान हमारे को समझा नहीं सके इसमें क्या काला। असल प्रॉब्लम क्या है कि सरकार को समझ नहीं आ रही कि इसमें सूद क्या है, अस्सा क्या है। हमारे तो 11 मीटिंग हुई, 11 मीटिंग में सरकार को क्लियर बताता भी हर टेबल पर बात करो तो हर टेबल पर ही सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर करा। जे सरकार सूदों के लिए मनी, इसका मतलब कि कानूनों में थोड़ी बहुत ही गड़बड़ है। ये हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है, किस प्रकार की रणनीति रहेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन किसान आत्महत्या भी करे। कल भी टीकरी बॉर्डर पर एक ने पंदा लगाकर आत्महत्या की। हम मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो जुमलेबाजी है शुरू तो करते आ रहे, सब कुछ जानते हुए सानू मूर्ख बनाना बंद करे। हम जो किसान हैं, हम एक बैटरी की तरह हम चार्ज हो रहे हैं। जैसे बैटरी फुल चार्ज हो जाती है उसके बाद अपना काम शुरू। इस करके हम चाहते हैं कि समय सिर इस मौके को संभाल के एक काले कानून वापस लेके MST ते कानून बना के साढ़े नाल गलबात शुरू करन, ताकि हम भी उनके साथ बातचीत को तैयार हो सके। माहौल बनाने की जरूरत है, नहीं तो मोदी सरकार आने वाले समय के बिच बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पवेगा। रणनीति तो यही है भी जब तक केंद्र सरकार तीनों कानून रद्द नहीं करती उद तक डटे रहती है। पर जिहड़ा कृषि मंत्री है वो कहिंदा मैनू कोई भी काला नहीं लगता, जिहड़ा करोड़ां लोग, जिहड़ा करोड़ां किसान देश दा बच्चा बच्ची जिहड़ा रोड़ां दे उपर बैठा, जे काला कानून बनाया तां इन्हां ने तां करके बैठा, उन्हूं रद्द करना ही पएगा। इस जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कल भी आत्महत्या की है किसान ने, उसे किस प्रकार क्या आत्महत्या समाधान है? असीं वार वार स्टेज तो भी अपील करते हैं, सारे किसानों नूं अपील की है कि बुझ दिल सानू नहीं रखना चाहिए। सानू एक आप दे अंदर लड़न वाली शक्ति रखनी चाहिए है। लोकतंत्र का जिहड़ा साडा देश है, असी जित हासिल इस लोकतंत्र के नाल ही कर सकांगे, पर जिहड़ी आम हत्या करनी है बहुत माड़ी गल है, ये नहीं करनी चाहिए। ये हमारे साथ किसान थे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन तीन कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, जब तक हमारा आंदोलन इसी प्रकार रहेगा और सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार इन तीन कृषि कानूनों को रद्द करे और इसका समाधान वार्ता से होना है। जो 22 तारीख को वार्ता समाप्त हुई थी, उसके आगामी वार्ता भी की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने केवल एक कॉल करने की बात कही है। पर देश का प्रधानमंत्री है, प्रजा उनके अंदर है और बात करने के लिए प्रधानमंत्री ने पहल करनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से वार्ता शुरू करनी चाहिए, जिसके बाद समाधान निकले और किसान अपने घरों की तरफ लौट सके। खबर फास्ट के लिए टीकरी बॉर्डर से।